नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल पोस्ट ऑफिस की लचर कार्य प्रणाली से नाराज ग्राहक, पोस्ट ऑफिस की लापरवाही आई सामने। मुल्ताई नगर के एकमात्र पोस्ट ऑफिस की लचर कार्य प्रणाली लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जहाँ राष्ट्रीय बचत पत्र की मैच्योरिटी के बाद भी भुगतान के लिए ग्राहक भटक रहे हैं। नगर के मुख्य पोस्ट ऑफिस की लचर कार्य प्रणाली से असंतुष्ट ग्राहक परेशान है। बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर एवं अन्य कर्मचारी ग्राहकों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मीडिया से करते हुए खमरा टोल नाके पर पदस्थ अमित ठाकुर ने बताया कि उनके द्वारा 5 वर्ष पूर्व पोस्ट ऑफिस से राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे गए थे, जिसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर राष्ट्रीय बचत पत्र की मैच्योरिटी के लिए अब उन्हें भुगतान के लिए भटकना पड़ रहा है। पोस्ट ऑफिस द्वारा उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ओरिएंटल कंपनी में पदस्थ मृत्युंजय सिंह ने बताया कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है। भुगतान के लिए उन्हें बार बार बुलाए जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। पोस्टमास्टर द्वारा आजकल कर 15 दिनों से भटकाया जा रहा है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि जब पढ़े लिखे लोगों को पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है, तो सामान्य लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा। यह एक शोध का विषय बनकर रह गया है। इनका कहना है, मैं राजपत्रित अधिकारी नहीं हूँ जो आपको अपना वर्जन दूं। आपको जो छापना है छाप दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश ढोबले, पोस्टमास्टर मुल्ताई। स्टेट हेड राजेश खड़से की रिपोर्ट। सर बताएं, क्या नाम है आपका और किस तरीके से पोस्ट ऑफिस में आपके साथ में समस्या है उसको लेकर बताएं। मेरा नाम अमित ठाकुर है। मेरा ये NAC मैच्योर्ड हो गया था और हम पोस्ट ऑफिस में हम आए 3 तारीख को मैच्योर्ड हो गया था। 3 तारीख को मैच्योर हो गया था ये हमारा, है ना। इसके बाद हम आए तो कहते हैं क्या कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा पोस्ट नहीं, उस दिन तो कर्मचारी ने कहा कि 2 बजे के बाद आओ। ठीक है, हम 2 बजे के बाद तीसरे दिन हम गए। तीसरे दिन फिर क्या कहते हैं कि आप 9 बजे से 2 बजे के बीच में आओ। फिर एक दिन हम गए तो कहते हैं कि नहीं, अभी चुनाव का मौसम है, चुनाव के बाद आओ। चुनाव के बाद आओ, कल चुनाव है, कल चुनाव है, आप बाद में आना। फिर हम आज गए, आज कह रहे हैं कि 3 बजे 2 बजे तक ही हमारा ये होता है काम होता है पोस्ट ऑफिस में। आज का जो स्टेटमेंट है वो हमारे पोस्ट ऑफिस के जो इंचार्ज है उन्होंने ऐसी बात कही। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं जो कि हम एक तो हम हमारे जैसे लोग तो हैं और काफ़ी वहाँ पे 10-20 लोग खड़े थे, ये बेचारे आते हैं कहते हैं सबके साथ वही व्यवहार होता है। मैं ये चाहता हूँ जो कि कम से कम सरकारी विभाग में जो भी आम जनता है उसको कोई परेशानी ना हो, तरीके से सब व्यवहार से उसको काम किया जाए और जनता परेशान हो जाती है। आप बताइए जो कि मैं खंबारा टोल से आया यहाँ पे, आई थिंक 17-19 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर चल के आया और तब जाके कहते हैं जो कि नहीं आज नहीं कल होगा। और आपकी क्या समस्या है पोस्ट ऑफिस को लेके बताएं। मृत्युंजय सिंह मेरा नाम है और 3 तारीख को मेरी NSE कम्प्लीट हुई थी जो कि 5 साल पहले कराई गई थी। तो मैं 4 तारीख को पहुँचा वहाँ पर सुबह दोपहर में 2 बजे के आसपास में। तो मैंने वहाँ पे दिखाया जो कैशियर जो कैश काउंटर जो वहाँ पे NSE वगैरह का देखते हैं कर्मचारी जो देखते हैं, तो बोलते कि नहीं अभी आज नहीं हो पाएगा, आप कल आना। फिर अगले दिन हम लोग 6 तारीख को आई थिंक मैं फिर दोबारा गया तो बोले कर्मचारियों की कमी है, चुनाव बाद होगा, फिर ऐसा बोला। उसके बाद अब मुझे डेट अगली तो याद नहीं, एक बार और फिर मैं गया तो बोलते हैं कि नहीं आप वर्किंग आवर्स में आओ। और फिर जब हम लोग आज वर्किंग आवर्स में गए हैं जो वहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है बोर्ड पे 10 बजे से 3 बजे, उसके बीच में 2 बजे ही हम लोग पहुँच गए थे और बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि मतलब पोस्ट ऑफिस खुला ही ना हो पूरे, मतलब जो उनके विंडो जो रहती है विंडो बंद करके रखे पड़े थे। और जो मतलब पोस्टमार्टम लगा के आपका कहना है कि पोस्ट ऑफिस द्वारा जो वहाँ के कर्मचारी या पदस्थ उनके द्वारा कस्टमरों के साथ में उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा बिल्कुल। सर आपका शुभ नाम क्या है? मृत्युंजय सिंह। सर कहाँ रहते हैं आप? चैनपुर में। ठीक है।